right nutrition in our diet, like in some of the cases, like omega-3 fatty acid, which is very well present in the fish or the animal source. While in case of the plant-based source, you can get omega-3 fatty acid from algae type of food supplements, or you can get it from flaxseed. But unfortunately, these type of knowledge or this awareness is not there in normal gentry. So we need to understand like how we can get a balanced diet in terms of good fat, in terms of the right proportion of the vitamins, like the B complex vitamins, C, vitamin C. Now vitamin C and D has been the hero vitamins in this corona time. And you can every day take a vitamin C tablet because it's a water soluble tablet, and you can even if there is a excess bioaccumulation in your body, it will pass it on from your urine because being a water soluble vitamin. But you need to have a proper dosage of vitamins, and it's not just the only our spices like haldi will create immunity. You need to build up the immunity internally with your balanced diet. अब हम बोलेंगे कि हम तो खाना खाते ही हैं, कोई भी टाइप का खाना खाते हैं, तो इम्यूनिटी, फूड और इम्यूनिटी का कोई वो ही नहीं है. बहुत लोग सोचते हैं इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आप एंटीबायोटिक्स ले लो या दूसरे मेडिसिंस ले लो तभी आती है इम्यूनिटी बिल्ड. नहीं, इम्यूनिटी आपको पता नहीं है कि नियर टू 60-70% ऑफ द इम्यूनिटी इज थ्रू योर गट. जो मैंने पिक्चर दिखाया था, जो स्लाइड दिखाया था मैंने आपको, 70% इम्यूनिटी आपके बॉडी का इम्यूनिटी आपके गट से आ रहा है. सो कैन यू इमेजिन दैट हाउ मच गट इज, सो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. गट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ओके, एंड अनदर न्यूरो ट्रांसमीटर लाइक सेरोटोनिन, 90% ऑफ द सेरोटोनिन इज बींग प्रोड्यूस्ड बाई योर गट. एंड सेरोटोनिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर. It's a chemical, biochemical, which is getting produced in your body. If you have less amount of serotonin in your body, आपको नींद ही नहीं आएगी ठीक से. बहुत बार हम बोलते हैं ना कि हमें नींद नहीं आ रही, या एक घंटे लेटना पड़ रहा है उसके बाद ही आपको नींद आ रही है या something. That means there is some hormonal issues in your body, and you have to consult your doctors, you have to consult your dietitian, nutritionist to understand कि भैया कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, और इसे नेग्लेक्ट नहीं करना. और जैसे इफ यू आर अ बॉलीवुड फैन और इफ यू आर अ म्यूजिक फैन, यू विल डेफिनेटली सी दैट व्हेनेवर अ गुड सिंगर और अ गुड म्यूजिशियन इज मेकिंग अ म्यूजिक और सिंगिंग अ सॉन्ग, एवरीथिंग इज वेरी सिंक्रोनाइज्ड. इट इज सूदिंग टू द ईयर. व्हाइल इफ अ सिंगर who does not know how to sing, और जिसको सुर नहीं है, वो कुछ भी गाना गाए वो गधे के जैसा ही लगेगा आपको. Okay, तो same way, अगर आपके body में कहीं पे भी, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, कहीं पे भी छोटा सा भी problem है, इसका मतलब आपके body में कुछ ना कुछ बीमारी है. और मान लीजिए आपके हाथ में, मान लीजिए इधर आपके हाथ में कुछ एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपका सारा बॉडी, दूसरा पार्ट ऑफ द बॉडी सब ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा बॉडी ठीक है. हर एक सेल इन आवर बॉडी, एवरी सेल इन आवर बॉडी इज कम्युनिकेटिंग विद द अदर सेल ऑफ द बॉडी, एंड अनलेस एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज इन अ हेल्दी कंडीशन, वी कैनॉट बी टर्म्ड एज अ हेल्दी पीपल. अब जो RDA के हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है, वो बेसिकली हेल्दी लोगों के एंगल से वो चार्ट्स बनाए हुए हैं. जैसे मैंने दिखाए थे कि इतने डाइटरी फाइबर लेना चाहिए एंड ऑल, वो जो लेवल है वो उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी एक डिजीज है उनके बॉडी में, चाहे डायबिटीज टाइप 2 हो एंड ऑल. उनके लिए मेरे हिसाब से थोड़ा और ज्यादा बेटर न्यूट्रिशन चाहिए. सिर्फ उतना लेवल ऑफ न्यूट्रिशन से उनको, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, हाई बीपी है, मान लीजिए कैंसर है, या ओबेसिटी है, ओवरवेट है, मैल न्यूट्रिशन है, तो ये सारी चीजें
सिर्फ RDSA इम्प्रूव नहीं हो पाएंगी, क्योर नहीं हो पाएंगी, शायद उनके लिए थोड़ा सा और चाहिए। वो चीजें RDA में जो गाइडलाइंस है वो उनके लिए है, जहां पे ऑलरेडी एक बंदा ऑलरेडी हेल्दी है, उसे अगर अपना हेल्थ मेंटेन करना है तो वो लेवल का आपको विटामिन्स, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, फैट या प्रोटीन लेना है। लेकिन अगर आपको कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है तो शायद आपको और बेटर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए। और या आपके अगर दोस्त लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई अगर फूड साइंस पढ़ रहा है, फूड टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई में ही हमें सिखाया जाता है कि क्या लेवल ऑफ न्यूट्रिशन हमें रखना चाहिए, कौन से टाइप का फूड खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें।